यूपी विधानसभा चुनाव के सातवें चरण का मतदान खत्म हो चुका है, यानी कहें तो जो सातों चरण थे वो अब पूरे हो चुके हैं और अब लोगों को इंतजार है तो सिर्फ 10 तारीख का। हालांकि उससे पहले एबीपी गंगा का एग्जिट पोल आपको जो तस्वीर है वो जरूर साफ कर रहा है। हमारे साथ में तमाम लोग मौजूद हैं, हम इस समय आजमगढ़ में हैं और यहाँ पर आजमगढ़ के जो लोग हैं उनसे बात करेंगे, जानेंगे किन मुद्दों को ध्यान में रखकर उन लोगों ने अपना वोट कास्ट किया है इस बार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुभाष सिंह है। इस बार लोगों का एक दूसरा मैसेज था, एक तो इस सदर सीट पे बहुत दिन से एक ही आदमी है और लोगों की मनसा थी कि विकास नहीं हो रहा, जो भी उनकी सोच थी, लेकिन बदलाव के नाम पे, विकास के नाम पे, अराजकता के नाम पे वोट यहाँ हुआ है। और परसेंटेज जो सबसे इंटरेस्टिंग पहलू थी कि डीएवी कॉलेज पर कभी भी 28 से 30% से ज़्यादा वोट नहीं पोल हुआ, मैंने आज तक देखा। ये पहली बार ऐसा है कि इस पोलिंग बूथ पे 50% गया है और लोग एग्रेसिव हैं। रिजल्ट क्या आएगा तो 10 तारीख को पता चलेगा, लेकिन लोगों की मनसा साफ जाहिर हो रही कि वो वोट ज़्यादा से ज़्यादा देना चाह रहे हैं। आपका नाम? मनोज कुमार वर्मा। आप बताएं मनोज जी, क्या मुद्दे ध्यान में रख के वोट कास्ट किया आपने? मैंने सर जो आजमगढ़ का जो विकास जो किया है हम उसके नाम पे वोट दिए हैं, उसको उसके नाम पर वोट दिए हैं। देखिए तमाम और लोग हैं। आपका नाम? सुरेंद्र यादव। सर बताएं क्या ध्यान में रख के वोट? सर महंगाई, बेरोजगारी, ये नौकरी सब, ये सब देखकर हम लोग वोट किया है कि इससे विकास हो, परिवर्तन। आपका नाम? संजय मौर्य। वोट कर दिया था? यस। क्या ध्यान में रख के किया? भाई ध्यान में यही था कि हम लोग जो विकास किया हम लोग उसको फिर लाएंगे। आप बताएं आप? मेरा नाम रविंद्र कुमार सिंह अधिवक्ता है। क्या ध्यान में रखकर वोट किया? भाई देखिए विकास और बदलाव को लेकर हम लोगों ने जो है वोट किया है। इस बार सपा की जो सरकार आ रही है पूर्ण बहुमत से, और जो है इसमें जो है शिक्षा, बेरोजगारी और जितनी भी जो है किसान, सारे मुद्दे जितने रहे हैं ये जो है सर्वोपरि रहे। कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद है। सर आपका नाम? प्रवीण कुमार। सर क्या ध्यान में रख के वोटिंग किया? विकास के। अपने क्षेत्र में किस तरह का विकास जी? किस तरह का विकास सोचा आपने यहाँ के? विकास में बहुत सारी चीजें आती है, आपने क्या क्या सोचा? शिक्षा जी। तो यहाँ पर देखिए तमाम लोगों से बात की, आपने भी वोट डाला है? क्या नाम डाले सर? मेरा नाम धीरज कुमार पाठक है। आप बताइए कि क्या सोच के वोट किया? ये सरकार ने जो अभी वर्तमान सरकार थी बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है और हमारा यही मकसद है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मतदान का वक्त खत्म हो चुका है, सभी को इंतज़ार है तो अब 10 तारीख का, और यहाँ पर जो लोग हैं आजमगढ़ की जो जनता है हमने उनके दिल की बात को जानने की कोशिश की और जाना कि आखिर वो क्या मुद्दे रहे इस बार जिनको लेकर उन लोगों ने अपना वोट किया। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, आजमगढ़। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।